तो बैठा के रखे जूता तो मार दिया और क्या चाहते हैं चंद्रशेखर, यही कर दिया। ये वो मंदिर बनवाने जिससे कटोरा हाथ में आए, भीख मांगे। देखिए मीडिया तो है ही नहीं हमारे साथ, माननीय काशीराम जी ने कहा कि मीडिया के चक्कर में ना रहे, मीडिया तो बिकी हुई है। देखिए हवा हवा होती है, जैसे वो आता है ना बबूला, और वो थोड़ी सी देर में पता नहीं लगता। जो जमीन की स्थायी हवा है वो अपने आप में स्थायित्व तो देती है और भारत के संविधान को बचाए रखने के। देखिए अवसरवादी सपा में जा रहे हैं, हमें मिशन के लोग, बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने जो लाइन दी हम उस लाइन पे अंतिम खून की एक बूंद तक। बाबा साहब के दुआएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी दे रहे हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भटक गए हैं और भटक इतने गए हैं, उनको सत्ता की लालसा बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसे बहन जी ने कितना कुछ दिया है इन सबको, जो लोग गए हैं आपने भी देखा है, आपकी इतनी उम्र होगी, वो पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं? वही तो सवाल है, आप ऐसे सिपाही तैयार करते हैं, आपने तो तैयार कर। देखिए सिपाही जो होते हैं, हम भी तो सिपाही हैं, हमें 2004 में बहन जी ने लोकसभा टिकट दिया, टिकट कट गया हमारा, रवि गौतम जी लड़े। हम आज तक पार्टी में मिशन का कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। चुनाव के हर प्रोग्राम में भी मिलते हैं, हर प्रोग्राम में अपनी गाड़ी घोड़ा से अपने ड्राइवर के साथ हर समय लगा हुआ हूँ, मिशन के लिए लगा हुआ हूँ, पार्टी के लिए लगा हूँ, बहन जी के लिए लगा हुआ हूँ। बहन जी ने अपना जीवन लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं समाज का दम घुट रहा था बीजेपी में, अब मैं समाज का दम घुटने से बचा रहा हूँ सपा में जाकर। वो तो उसने पहले ही बेवकूफी करी बहन जी छोड़ करके। बहन जी ने इतना स्थान सम्मान दिया दूसरे नंबर का आदमी, जब देखिए मैं बताऊं जिसका स्टेटस, बहन जी ने इतना ऊंचा स्टेटस उनका मेंटेन किया था कि वो उसके लिए ही तड़पड़ाता है, और वो जो तड़पड़ाएगा जो भी गया है, आप किसी को देख लीजिए, चाहे तो चंद्रशेखर जी के साथ गए या कहीं भी हैं, सब लोग परेशान हैं। शेखर भी आज कह रहे हैं कि दलितों का वोट नहीं चाहिए, अखिलेश यादव ने मेरा सम्मान नहीं किया है। वो भूल कर रहे हैं, हमने उन्हें शुरू से ये कहा था कि आप जो है पार्टी मत बनाओ, मिशन में काम करो। हम भी तो काम कर रहे हैं, हमें टिकट कट गया था, हम भी कर रहे हैं। बेइज्जती हो गई, अखिलेश यादव ने उनकी बेइज्जती कर दिया, उन्हें सम्मान नहीं दिया है। देखिए सम्मान एक जगह ईंट पड़ी रहती है, समाज से राजनीति होती है। बहन जी ने अपना जीवन लगा दिया, जैसे हमारे आदरणीय सम्मानित विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने समाज के अल्पसंख्यकों के, दलितों के और महिलाओं के लिए, जब वो अपनी मिनिस्ट्री छोड़ सकते हैं, बहन जी अपनी राज्यसभा से पार्लियामेंट छोड़ सकती हैं, तो त्यागोगे नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ भी। तो वो भी तो कह रहे हैं समाज को बचाने और मिशन को बचाने जा रहे हैं समाजवादी। बहन जी के साथ बचा हुआ है समाज, सम्मान किसने दिया? हमारी आज इतनी एज हो गई है, हमने बहुत सारे एमएलए एमपी और सरकारें देखी, कहीं दूर से एमएलए आता था हवाज बंद हो जाती थी, और आज कोई एमएलए जाता है तो जिसके हाथ भी सने हो ना गोबर में, वो कुर्ता पकड़ के कहता है आज आया है। ये सम्मान किसने दिया, ये स्वाभिमान किसने दिया? ये बहन जी ने दिया। तो सपा में हित नहीं है, सम्मान नहीं है दलितों का? सपा में सम्मान, आरक्षण के बिल का विरोध, महान पुरुषों के नाम जो बहन जी ने जिले के रखे वो सब निरस्त किए। मुझे ये बताइए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐसा करने से क्या मिला? तो वो कह तो रहे हैं गलतियां हो गई थी, तो गलतियां हो सपा है, हम नई रणनीति के साथ तो आगे देखेंगे, जब नई सपा तो अभी तो नौजवान है, देखेंगे दलितों के लिए क्या करेंगे। बहन जी से आगे काम करके दिखाए, बड़ी लकीन खींच के दिखाए दलितों के लिए। तो आप करा तो उन्होंने कल पूरे दिन चंद्रशेखर को बैठा कर रखा, तो बैठा के रखे जूता तो मार दिया और क्या चाहते हैं चंद्रशेखर, यही कर दिया। आप उसे जूता समझ रहे हैं? अरे वो धक्का मार दिया उसको, वो बार बार लग रहा, 6 महीने से कह रहे हैं मैं लग रहा हूँ, क्यों लगा? वो बहन जी के साथ कहता, मैं उनको सीधा ये कहना चाहिए मैं बहन जी के साथ हूँ, इस चुनाव में नहीं आऊंगा, और जो भी होगा बहन जी का निर्णय मैं उसे मानता रहूंगा, कोई बात नहीं। पार्टी अखिलेश यादव को मैं बड़ा भाई मानता था, वो तो देखो अखिलेश जी की उम्र के हिसाब से उन्होंने आज बहुत चतुरता दिखाई है, और चतुरता दिखा करके अंत में जो निर्णय लिया है, हम तो आगे देखेंगे क्या होगा दलितों के लिए। तो अब चंद्रशेखर को बीएसपी के साथ आ जाना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि मैं बिल्कुल करना चाहिए था बहन जी के साथ के लिए।
हमने तो पहले ही शुरू किया था जब वो आया था, जब दल भी नहीं बना था। कहा जाता है जो बीएसपी से नेता जाते हैं ना कहीं दूसरी जगह फिट नहीं होते, वो फिट तो नहीं, जितना सम्मान समाज में मिलता है समाज नहीं जाता, तड़पड़ाता कोई टेलीफोन करके जय भीम भी नहीं करता कि भाई साहब बच्चे कैसे हैं तुम्हारे। प्रसाद मौर्य कह रहे हैं समाज का दम घुट रहा है और उनकी बेटी कह रही है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी। देखो वो उनका व्यक्तिगत और परिवार का मामला है। नहीं, बेटी बीजेपी में और बाप सपा में, ये क्या है सर? देखो ऐसा है, ये सवाल आप उन्हीं से पूछे, मुझसे बहन जी के बारे में, मिशन के बारे में, सिपाही के बारे में, काम करने के बारे में पूछे आप। सर आप सबसे ज्यादा बात करते हैं ना, वो देखो करने को किसी को रोक तो नहीं सकता। अगर दलितों की बात करनी सच्ची बात होती तो बहन जी के साथ रहते, तो कहना जैसा भी समझ में वैसे ही रहूंगा। टीका हमला बोला उन्होंने, नहीं वो बोलने को लिए को रोक सकता है क्या? टीका मैं छोड़ता हूँ, वो खत्म हो जाती है। बाबा साहब ने संविधान में सबको बोलने का अधिकार दिया है, अनुशासित संवैधानिक भाषा में सब बोले। तो आप क्यों डरते हैं फिर? हम तो नहीं डरते। आप तो कह रहे हैं मुझसे बात मत करो उनके बारे में। इसके नहीं नहीं, देखो मैं उनके व्यक्तिगत समाज के ऊपर राजनीति कर, देखो हमारे समाज पे राजनीति समाज चौकन्ना है, ये तो समय बताएगा। अब आगे क्या समय बताएगा कौन किसको क्या मिल रहा है? तमाम पिछड़े तो उनके साथ चले गए, तमाम पिछड़ा वोट तो उनके साथ चले। कोई किसी के साथ पिछड़ा नहीं जा रहा, राजनीतिक चतुरता को सब समझते हैं। देखिए पिछड़ा बहन जी के साथ है, अनसक्त बहन जी के साथ है और जितने भी छोटे समाज के लोग हैं उन्होंने बहन जी का लान आर्डर देखा है, बहन जी का काम देखा है, बहन जी का शिक्षा के क्षेत्र में देखा है। मंदिर ने बनवाया ना, लोग मंदिर देखते हैं सर। मंदिर हम बना रहे हैं उस मंदिर को जिससे देश और विदेश में भी नाम होता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, बहन जी वो मंदिर बनवा रही हैं। ये वो मंदिर बनवाने हैं जिससे कटोरा हाथ में आए, भीख मांगे। लोगों को वो वाली चीजें चाहिए जो भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है जब लोग अशिक्षित थे, अब अनुसूचित जातियों में हमारी लीडर शिक्षित है, बहुत कुछ देख चुकी हैं समाज सुधार में, शिक्षा से लेकर के आज वो पार्लियामेंट में विश्व में उनका नाम है। लोग कह रहे हैं बहन जी ने सरेंडर कर दिया। नहीं नहीं, बहन जी कोई सरेंडर नहीं किया, कहाँ बहन जी ने सरेंडर किया। आप ये देख रहे, सुनो बाबा साहब का नाटक आप डेली देखते हो, परिस्थितियों में बाबा साहब ने भी समझौता किया है एक दो जगह, और बहन जी भी परिस्थिति देख के चलती हैं। ऐसा नहीं है, बहन जी बहुत चतुर है, बहुत होशियार महिला है। कह रहे बीजेपी से समझौता कर लिया इन्होंने। अब कोई कहता है तो कहने दो, किसी का मुंह तो रोका नहीं जा सकता। अफवाह फैला जा रही है आपका, अफवाह देखिए सुनो, अफवाह फैला रहे, हम तो ना अफवाह में जा रहे, हम तो ना जा रहे, हम इतने दिन से पिटते चित्ते पार्टी में है, कौन सा चुनाव। सिंह साहब जो देश की मीडिया है वो बीएसपी को बहुत कम आंक रही है। देखिए मीडिया तो है ही नहीं हमारे साथ, माननीय काशीराम जी ने कहा कि मीडिया के चक्कर में ना रहे, मीडिया तो बिकी हुई है। मीडिया तो आज यहाँ 2.5 लाख दिखा दें, 3 लाख दिखा दें, कितने कौन देखने जा रहा है अस्पताल में, ये कल को 10 लाख दिखा के कहते हैं जमीन तुम दो, तुम्हारे साथ ही मीडिया ना है। देखिए जमीन हमारी, ये हवा हवाई है। मीडिया वाले जो वास्तव में ईमानदारी की मीडिया का काम करते जैसा आप कर रहे हैं, उनका आगे मान और सम्मान बढ़ेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, रविश कुमार जी देखो ना कितना करते हैं। लोग कह रहे हैं ये आपस में लड़ते हुए ना राजा, कहीं बीएसपी मौका मार जाए कभी चुनाव। हाँ वो तो होगा ही, मौका मारेंगे ही, लड़ते रह जाएंगे। हाँ ये एक दूसरे को गाली देंगे और हम चुपचाप खींच के ले जाएंगे बटन दबा के, ये तो होगा ही। और बहन जी मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेंगे या फिर जीरो पे मामला निपट जाए। कौन कहता है जीरो पे निमट जाए, दबाए बैठे हैं मन में आकांक्षा नौजवान, ये कहता है शिक्षा किसने दी, भारत का संविधान जिंदा है तो वो बहन कुमारी मायावती के साथ बसवा। लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया पार्टी। लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोगों को कौन रोक सकता है, आपसे कितना कहते हैं, हमसे कितना कहते हैं, हम लोगों से क्या परवाह करें। परिवार सा होगा कोई उत्तराधिकारी। देखिए सुनो, मिश्रा जी भी वही शख्सियत है जैसे बाबा साहब के साथ उनके पहले टीचर थे, जिन्होंने उनका मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। आज बाबा साहब का नाम विश्व में है, उसमें भी ब्राह्मण साथ था, उसमें भी शिक्षित था। आज बहन जी ने कहा कि हमने सर्व समाज का ध्यान रखते हो सबको टिकट दिए हैं, मुसलमानों को भी हमने टिकट दिया, लेकिन सपा इतने टिकट नहीं दे पाई जितने हमने दिए। हम तो दे ही रहे, फर्क पड़ेगा। अरे वे तो बटे हुए सौदे हैं, उनमें फिर आपस में लड़ाई भी तो होगी मंत्रालय के ऊपर, और ये भगंगे भी इधर उधर को जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा। कल योगी जी ने एक दलित के घर पे खाना खाया है, खिचड़ी खाई है। ओ ऐसा ही है, तो ड्रामा होता ही है। बाबा साहब का भी नाम लिया नहीं, दलित के तो पैर छो के भी दिखाए, पता नहीं कौन दलित था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कौन कह सकता है वाल्मीकि थे, किसी के मस्तिष्क पे लिखा वाल्मीकि थे। ये भोजन बाहर से मंगा ले, खिचड़ी खाए। बीजेपी कोई बात पर विश्वास नहीं आपकी, ना ठीक है ना, हमें बीजेपी का विश्वास ना, ये तो पाखंडी है, अंधविश्वास वाले हैं। जब जब चुनाव आते हैं, जब भी दलितों के घर जाते हैं, इससे क्या समझते हैं आप? ये हम लोग बहकाना चाहे, कोई दलित बहकाने में नहीं आ रहा,
फिर हो जाए जाए। जो गौतम बुद्ध नगर से जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ के सांसद महेश शर्मा कह रहे हैं कि कोई दिव्य शक्ति है मोदी जी में सीधा संपर्क है। हाँ, वो दिव्य शक्ति के लिए लिए बैठे लोग। दिव्य शक्ति आ जाएगी, कोई बात ना, और दो साल रुक जाओ, 2024 के बाद पता लग जाएगा दिव्य शक्ति का। कैसे टकराओगे वो दिव्य शक्ति का पता? आप लोग ना मंदिर को मानते, ना मस्जिद को मानते, ना वो तो मानते, ना पत्थरों को। प्रधानमंत्री भी कुदियों के नहीं, झोला लेकर चला जाऊंगा, पहले झोला उठा रखा तो दिव्य शक्ति ने तो वहीं सरेंडर कर रखा है। हमारी बहन जी ने झोला नहीं उठाया, तैयार है शेरनी ललकारेंगी, ऐसा नहीं है। उनका नाम बहन कुमारी मायावती है। हम सरकार बनाएंगे, ये तो सारे कह रहे, चंद्रशेखर भी कह रहा मुख्यमंत्री बनूंगा मैं। हाँ वो तो है, वो तो आप ही कह रहे हैं, मैं क्या बताऊं। अखिलेश यादव के यहाँ मंत्रालय बट रहे हैं, विजय रथ निकाल दिया उन्होंने, आप कह रहे हमारी जीत रहे, बीजेपी कह रही है हम जीत रहे, मीडिया कह रही है वो जीत गए। देखिए 2007 का चुनाव में हमें 45-40 गिनते थे, गिनते थे नहीं, कोई तो नहीं कहता था, 206 आई, 36 बताते थे। हाँ बस, तो कितनी आई? 206। आज हमें कुछ भी ना गिन रहे तो आप हिसाब लगा लो कितने पे हम अभी। तो देखिए जो विद्वान व्यक्तित्व है, चाहे वो किसी भी दल में है, वो बहन जी की नीति रीति और भारतीय संविधान में विश्वास रखता है। जिस दिन वोट बटन दबाने जाएगा उसको सिवाय बहन जी याद आएंगी, लाइन ऑर्डर याद आएगा, और शिक्षा याद आएंगी, और बहन जी ने महान पुरुषों का, और विकास याद आएगा, और गरीबों को मकान दिए। तो मंदिर याद आ रहा सबको सर, मंदिर मंदिर देखिए आस्था का वो है, सब लोग कह रहे अपनी अपनी आस्था है, किसी की आस्था को भारत लोग कह रहे हैं पहला घंटा मैं बजाऊंगा। देखो भारत जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसमें किसी भी धर्म के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कौन किस धर्म को मानेगा, भारत का संविधान कहता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। जिसकी आस्था जहाँ है मंदिर बना रहे, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम काहे को विरोध कर रहे हैं? हम कोई विरोध नहीं कर रहे, वो मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे, तो आपको भी दिक्कत हो रही। देखिए ना तो हम चर्च का विरोध करते, ना मंदिर का करते, ना मस्जिद का करते, तो मानते भी तो, और ना गुरुद्वारे का करते, हम भी तो नहीं हो। देखो हम सबको मानते हैं, और मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है, मानवता को मानते हैं। संविधान पर वोट मिलेगा क्या? सब लगता है काम पर संविधान पर वोट मिलेगा, संविधान रह कहाँ गया? ये भी देख रही है वहाँ भी, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह बैठे हैं, तो वो भी देख रहे हैं। संविधान बचाने की बात कर रहा है बीजेपी, संविधान बचाने बात कर रही है अखिलेश यादव, संविधान बहन जी, दलित संगठन, सब संविधान बचाने बात कर रहे हैं, संविधान जा कहाँ रहा है? ये तो ऊपर की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रचनात्मक काम। ये बाबा साहब को दिखावटी करते हैं, हम लोग नहीं करते दिखावटी, हम सिपाही हैं, हम टूट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर मिशन के लिए बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं आने देंगे।